हेलो फ्रेंड्स, इट्स अनुष्का। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एज यूजुअल आपने आज का टॉपिक थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सा ट्राई करने वाले हैं। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दी वीडियो। सो फ्रेंड्स, मेरे पास ये ओल्ड वुडन पीस पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रीयूज करा जाए। सो आज हम इसकी हेल्प से एक ब्यूटीफुल सा की होल्डर बनाने वाले हैं। इसमें मैंने क्ले का यूज भी लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे हाउस बनाऊंगी, तो मैंने हाउस की शेप कट कर ली है और मैं इसको फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट करूंगी, नहीं तो ये निकल जाता है, इसलिए फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट करना ज़रूरी है। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हम हाउस के ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे। सो क्ले को रोल रोल करके हमको ये बनाना है। सो हमारा जो रोल है वो तो बन चुके हैं, अब आपको इन दोनों को एक साथ पेस्ट कर देना है। सो देख सकते हैं आप, हमारा ये पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे हाउस का गेट बना रहे हैं, तो आपको सबको फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट करना है। आप देख सकते हैं हमारा हाउस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सी साइकिल। हमारी साइकिल बने इतने आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी जो साइकिल है बनके रेडी और ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अब हम यहाँ पे वाइट एक्रेलिक पेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वाइट एक्रेलिक पेंट ही करना है, नहीं तो कलर इतना अच्छा नहीं आता है। आप देख सकते हैं हमारा जो वाइट एक्रेलिक पेंट है वो हो चुका है। अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर करना स्टार्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर का यूज़ लूँगी ताकि थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पे थोड़ा लाइट कलर ही ज़्यादा अच्छा लगेगा बैकग्राउंड में, क्योंकि हमें जो हाउस है और जो साइकिल है वो दिखानी है। तो यहाँ पे मुझे ये कलर बेस्ट लग रहा था तो मैंने ये वाला कलर किया है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो इसको बहुत ही केयरफुली करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा कलर तो होके रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे हाउस पे कलर करना स्टार्ट करेंगे। तो हाउस पे मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का यूज़ लिया है, मैंने ब्लू में वाइट मिलाया है, तो ये वाला कलर बन के रेडी हो चुका है और ये कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको ये कलर कैसा लगा। नेक्स्ट हम आपके हाउस को बनाने ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बना रहे हैं। सो ऊपर वाले पार्ट में और जो गेट है उसमें हमने ब्राउन कलर का यूज़ लिया है, क्योंकि गेट ब्राउन कलर के यूज़ होते हैं ऑलमोस्ट। सो अब हमारी साइकिल बनना रेडी हो चुकी है। सो साइकिल के जो टायर्स हैं उसमें हम प्योर ब्लैक कलर यूज़ नहीं लेंगे, हम यहाँ पे ब्राउन में ब्लैक कलर का यूज़ लेंगे ताकि अच्छा लगे। प्योर ब्लैक कलर यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। और साइकिल हम बना रहे हैं लाइट पिंक कलर की। सो मुझे यहाँ पे लाइट पिंक कलर बेस्ट लग रहा था, सो मैं यहाँ पे लाइट पिंक कलर यूज़ ले रही हूँ। आप देख सकते हैं साइकिल पे कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे कुछ शेड्स देने के लिए यहाँ पे डार्क पिंक कलर का भी यूज़ लिया है मैंने। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी क्यूट सी साइकिल लग रही है ये। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी ऐड करी हैं, बिकॉज डिटेल्स के बिना पेंटिंग या फिर कोई भी क्राफ्ट वगैरह अच्छी नहीं लगती है। सो हमारा जो हाउस है और जो साइकिल है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। मुझे बैकग्राउंड बहुत ही खाली खाली लग रहा था, सो मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस बना रही हूँ डार्क ग्रीन कलर का यूज़ लेके। बस ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, आपको बस लाइंस बनाई हैं, वो भी थोड़ी zigzag टाइप ऑफ। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, मुझे आइडिया आया क्योंकि एक बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं लग रहा था। और नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे वाइट में येलो मिला के इसकी जो लीव्स वगैरह जो होती है वो बनाऊंगी ताकि और भी ब्यूटीफुल लगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि ये जो बैकग्राउंड का जो पार्ट है वो आपको कैसा लगा। तो हमारा जो की होल्डर है वो ऑलमोस्ट डन है, बस हमें बैकग्राउंड कलर पूरा करना है और इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है और हमारा की होल्डर पूरा हो जाएगा। सो जब तक ये मेरा बैकग्राउंड बन रहा है आप वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना।
सो देखते हैं हमारा की होल्डर कैसा बनता है। सो हमारा बैकग्राउंड बन चुका है, रेडी हो चुका है बनके। सो अब हम हाउस में और साइकिल में और जो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें कुछ डिटेलिंग्स ऐड करेंगे, बिकॉज विदाउट डिटेलिंग्स के कोई भी आर्ट अच्छा नहीं लग सकता है। सो मैं यहाँ पे अब हाउस में डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ। तो मैंने गेट में और जो हाउस का ऊपर वाला पार्ट है उसमें ब्लैक कलर का यूज़ लेके छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करिए ताकि ये और भी ब्यूटीफुल लगे। सो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम यहाँ पे गेट के ऊपर हर्ट बनाएंगे। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का हर्ट नहीं बनाने वाली हूँ, रेड कलर का ही बनाने वाली हूँ, डोंट वरी। मैं यहाँ पे थोड़ी आउटलाइनिंग्स करने के लिए ब्लैक कलर का यूज़ ले रही हूँ, बट हम इसमें रेड कलर लेंगे तो वो थोड़ा डार्क रेड हो जाएगा तो और भी ब्यूटीफुल लगेगा। सो अब हमारी साइकिल की डिटेलिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं। साइकिल में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी बहुत सीट्स वगैरह पे और जो फ्लावर्स का ये है उस पर थोड़ा बहुत करना है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। सो आप देख सकते हैं मेरा हो चुका है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे साइड में जो डिज़ाइंस हैं वो बनाएंगे विद यूज़ ऑफ ब्लैक कलर। यहाँ पे हम छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाएंगे और ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बना देंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कुछ ही डिज़ाइंस बनाए यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ लेके, और सिर्फ ब्लैक ही कलर यूज़ रहेगा क्योंकि और कलर यहाँ पे इतना अच्छे नहीं लगेंगे। देख सकते हैं आप ऐसे छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाने हैं। तो हमारे डिज़ाइंस बनके रेडी हो चुके हैं, और मैंने इसमें की को टक करने के लिए कील्स जो होती हैं आपके घर में इजीली मिल जाती हैं उनको जो इसके अंदर लगा दिया है। मैंने यहाँ पे 4 जो कील्स हैं उनको लगाया, उन कील पे हम वाइट कलर ऐड कर देंगे तो कि अच्छा लगे। सो हमारा की होल्डर बनके रेडी हो चुका है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये की होल्डर कैसा लगा, और ये घर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। हम हमारी जो कीज है उसको इस पर टक कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।